राजकुमार डाकिला झुका और घुटनों के बल बैठकर बड़ा सा बंडल खोलने लगा। अब देखो उन्होंने क्या था, एक थैला, जैसे सब्जी वगैरह के लिए एक पन्नी टाइप का जो है थैला, और बंडल क्या होता है, हम किसी चीज को बांध देते हैं, जैसे कागज की जो आपका रैपर आता है कागज का जिसमें दवाइयां वगैरह लेकर आते हो, होता है बंडल, ठीक है। उसमें से स्टील का लंबा सा टुकड़ा निकाला, उस बंडल के अंदर से क्या निकाला, उसको ऐसे लपेट रखा था एक स्टील का लंबा सा टुकड़ा जिसमें लकड़ी का हत्था लगा हुआ था। हत्थे को उसने हाथ में पकड़ लिया, फिर उसे वह सुल्तान के पास, उसे लेकर वह सुल्तान के पास गया। तो एक बड़ा सा स्टील का जो उसने टुकड़ा निकाला और उस टुकड़े को हाथ में लेकर सुल्तान के सामने प्रस्तुत हुआ। वो सुल्तान को जो है उस टुकड़े की विशेषता बताने लगा, महाराज यह एक बंदूक है। वो उपहार क्या था, एक बंदूक। यह एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो सभ्य देशों में युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यह अचूक वार करता है, जिसका वार ना चूके, मतलब अगर उससे वार किया जाए तो एक वार से ही व्यक्ति धराशायी हो जाता है, गिर पड़ता है, मर जाता है। तो उसका जो वार है वो कैसा है, न चूकने वाला, चूक न चूकने वाला। वार क्या होता है वैसे, हमला, वार हमला। अब वार शब्द के दो अर्थ हैं, वार के दो अर्थ कौन से हो जाएंगे, एक तो हमला, और एक जैसे हम कहते हैं ना आज वीरवार है, शुक्रवार है, सप्ताह के किसी दिन का नाम क्या हो जाता है, वार। ठीक है, और क्षण भर, क्षण क्या है, पल, एक पल, एक पल में ही किसी की भी जान ले सकता है। इस हथियार को अपने पास रखने पर कोई भी पड़ोसी शत्रु देश का द्वीप, शत्रु देश इस द्वीप की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। इस हथियार से आप दूसरे द्वीपों को भी जीत सकते हैं। जीत का विलोम बता सकते हो, बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा, हार। इस प्रकार पृथ्वी के इस क्षेत्र पर आप सबसे अधिक शक्तिशाली शासक और विजेता बन जाएंगे। अब पृथ्वी के जो है, मैंने पहले भी आपको पर्यायवाची करवाए थे, क्या है, धरा, धरती, भू, भूमि, वसुंधरा, ये क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची। पृथ्वी के इस क्षेत्र, क्षेत्र यहाँ क्षेत्र का अर्थ है भाग, वैसे क्षेत्र का अर्थ खेत भी होता है, तो क्षेत्र क्या है, यहाँ पर भाग, पृथ्वी के किसी भी भाग पर आप जो है हमला कर सकते हो और सबसे शक्तिशाली जो है विजेता बन सकते हो। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी कांप उठी। अब राजकुमारी क्या, क्यों कांप उठी, क्योंकि उनकी जो बातें थी वो कैसी थी, हिंसक, सारी हिंसक बातें थी कि किसी के ऊपर हमला करना, उसके राज्य को हथियाना, ऐसी बातों को सुनकर जो है राजकुमारी अंदर से कांप उठती है। बूढ़े सुल्तान ने ठंडी सांस भरी, लेकिन एकत्रित, एकत्रित क्या होता है, इकट्ठी, क्या होता है, इकट्ठी, इकट्ठी, इकट्ठे दरबारियों और सिपाहियों की आंखें चमक उठी। वहां जितने भी जो दरबारी थे और सिपाही थे उनकी आंखें क्यों चमक उठी, क्योंकि राजा जो थे वो क्या करते थे, एक देश जो है दूसरे देश पर हमला करता था अपनी ताकत को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं शक्तिशाली हूं। तो जो सिपाही और दरबारी थे कि उनकी आंखें इसलिए चमक उठी क्योंकि अब किसी भी दूसरे देश को, दूसरे राज्य को जीतना उनके लिए आसान हो गया। और आप अब जो है, जो सुल्तान है वो तीसरे राजकुमार से पूछता है, मारंगल से, मेजीटांग से पूछ चुके हैं, डाकिला से पूछ चुके हैं। मेजीटांग क्या लाए थे, रतन लाए थे, हीरा, पन्ना, माणिक और नीलम। और जो आपके डाकिला है वो क्या लेकर आए थे, एक बंदूक थी जो स्टील के उससे बनी हुई थी। अब तीसरा राजकुमार है उससे जो है सुल्तान पूछते हैं, आप मारंगल, आप राजकुमारी के लिए क्या उपहार लाए हैं, उपहार भेंट, कि आप राजकुमारी के लिए क्या भेंट लाए हैं। सुल्तान ने पूछा सुकुचाते हुए, सुकुचाते हुए मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, हिचकिचाते हुए, जैसे जब टीचर आपसे पूछती है ना कि आप काम कर आए हो, तो जो बच्चा काम नहीं करके आया वो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच सकता है और जो है डरता हुआ जवाब देता है, तो ऐसे ही हिचकिचाते हुए, थोड़े से डरते हुए राजकुमार मारंगल आगे बढ़ा।
सुल्तान के सामने झुकते हुए वह बोला, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा क्या होता है? माफ। क्या होता है? माफ कर दीजिए महाराज, मैं राजकुमारी के लिए कोई उपहार कोई भेंट नहीं ला सका। अब वो किस लिए पीछे हट रहे थे, क्यों हिचकिचा रहे थे? क्योंकि वो राजकुमारी के लिए कोई भी भेंट नहीं ला पाई। क्या मेरी पुत्री के लिए कोई उपहार नहीं लाए? क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? तो जो राजा है उसे विश्वास नहीं होता और पूछता है कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ, तुम जो है राजकुमारी के लिए कोई भेंट कोई उपहार लेकर नहीं आए? जी हाँ सुल्तान, आपने ठीक ही सुना, मैं माफी चाहता हूँ। वास्तव में जिस राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता था उसके लिए बगैर उपहार लिए लौटने के कारण मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन असल में मैं पूरे समय इतना व्यस्त क्या हो गया, बिजी रहा कि राजकुमारी के योग्य अच्छा सा उपहार नहीं तलाश कर सका, नहीं ढूंढ सका। इसलिए जो है मैं राजकुमारी के लिए, क्योंकि वो पूरा समय जो है किसी और काम में किन्हीं और कामों में व्यस्त हो गए, इसलिए वो जो है राजकुमारी के लिए उपहार नहीं ला पाए।